आराम से हमारा कैमरा चल रहा है ये, मैं यहाँ पर आप खुद से बता रहा हूँ। तो गाइस अभी आपने देखा कि हम नॉर्मल स्विच से हमने कैसे इसको पीओएस स्विच बनाया और किस तरह हमने कम खर्च में अपने नॉर्मल स्विच से ही अपने आईपी कैमरा को हमने चलाया गाइस। तो आप इस तरह अपने नॉर्मल स्विच को एज ए पीओएस स्विच बनाकर आप वहीं पर पावर ट्रेवल कराकर आप उसको आसानी से अपने आईपी कैमरे चालू कर सकते हो। आप कितने भी आईपी कैमरे आप इस तरह अपनी स्विचेस से चालू कर सकते हो गाइस। आप नॉर्मल स्विच मेरे हाथों में देख रहे हैं, ठीक है, ये है टीपी लिंक कंपनी की गाइस नॉर्मल सी पीओएस स्विच है। आज हम आपको बताएंगे इस स्विच के थ्रू हम कैसे इसमें आईपी कैमरे कनेक्ट करेंगे और हम इसे कैसे एज ए पीओई स्विच की तरह हम इसमें से पावर भी इसके बगल से हम पावर भी ट्रैवल कराएंगे और हम ये अपने आईपी कैमरे को भी आपको चलाकर दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेक्निकल वीडियो बनने वाली है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों सीधा ले चलता हूँ आपको सेटअप पर। तो गाइस हम आ गए हैं पूरे प्रोसेस में। तो ये हमारे पास है अभी 8 पोर्ट की टीपी लिंक की स्विच जो कि नॉर्मल स्विच है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल सिंपल सा नॉर्मल स्विच है ये। और इस पर हम चालू करने वाले हैं आईपी कैमरा, ठीक है। वो कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने ज़रा सा भी स्किप किया तो आपका कैमरा चलने वाला नहीं है गाइस, और गलत कनेक्शन के कारण हो सकता है कि आपके कैमरे को नुकसान पहुँचे, ठीक है गाइस। तो ध्यान से देखिएगा, ये साथ में है सी प्लस का कैमरा और ये है हमारी लेन वायर। तो आपको लेन वायर का कनेक्शन अगर आता हो तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैंने इसके लिए एक डेडिकेट वीडियो भी बनाई है, ठीक है। और ये कैसे करते हैं मैं इसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पर देख लेना। तो मैं फिर भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो गाइस ये है एक पैच केबल मेरे साथ आपके सामने, ठीक है। तो आप दोनों तरफ देख रहे हो, इसमें RJ45 कनेक्टर मैंने पहले से कनेक्ट करके रखा हुआ है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो वीडियो में आपका, ठीक है। तो अभी हम आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर में आपको जैसे मालूम हो गई लेन केबल में Cat6 हो चाहे Cat5 कोई भी वायर हो, ठीक है। तो ज़्यादातर Cat6 केबल और Cat5 केबल में जो आती है वायर आती है 4 पेयर की वायर आती है, ठीक है। तो 4 पेयर में हमें जो डाटा की जो ज़रूरत पड़ती है सिर्फ उसमें डाटा की ज़रूरत के लिए हमें जो यूज़ होती है मैं आपको बताऊंगा 1, 2, 3 and 6, ठीक है। इसमें इसे कलर कोड की अगर बात की जाए तो आप स्क्रीन में कलर कोड देख भी पा रहे हो, ठीक है। तो कलर कोड में जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं, ऑरेंज वाइट 1 हो गया, ऑरेंज 2 हो गया, ठीक है, 3 हमारा हो गया आपको वाइट ग्रीन एंड 6 हमारा हो गया ग्रीन, ठीक है। तो ये जो सा पेयर है हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बीच में यहाँ से केबल को हम कट कर लेंगे, ठीक है। आपको ये केबल आपके पास में आपने कनेक्शन करने के बाद में ही करना है। कारण क्या है, अगर आप पहले करोगे तो आप जब इसको पंच करोगे, आप चाहो तो 1, 2, 3, 6 अगर आप कर सकते हो तो आप डायरेक्टली कर लो। तो अभी इस पर क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि तरीके से अगर आप कर सकते हो तो आप वैसे कर सकते हो, अदरवाइज़ क्या होगा पंचिंग नहीं होने के कारण ये चारों वायर अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हमने 8 वायर के साथ हमने क्लिप कर ली थी, ठीक है। क्लिप करने के बाद हमने बीच में कट कर कर यहाँ से हमने जो वायर है, हमने जो 4 वायर है हमने डाटा की जो 1, 2, 3, 6 मैंने यहाँ पर ग्रीन वाइट और ऑरेंज वाइट एंड ऑरेंज को एंड ग्रीन को मैंने यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया और बाकी जो 4 वायर है मैंने यहाँ पर रख लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो सिर्फ 2 वायर को ही आप इसमें आप यहाँ से पावर दे सकते हो, यहाँ से हमें देना पड़ेगा यहाँ पर पावर, ठीक है। आपको पावर देना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर आपके पास है ब्राउन में आप पावर दे सकते हो या फिर ब्लू में पावर दे सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर लूँगा गाइस यहाँ पर जैसे कि ब्लू, यहाँ पर ब्राउन एंड ब्राउन वाइट, ठीक है। तो वाइट ब्राउन वाइट जो है प्लस हो गया आपका और ब्राउन जो है आपको माइनस हो गया, और 2 वायर जो है आप एडिशनल आप छोड़ दो इन फ्यूचर, अगर आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े एडिशनल की तो आपको काम आएगी, ठीक है। तो वैसा कर लीजिए गाइस। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे पावर, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हम यहाँ पर देने वाले हैं पावर अपने। तो मैंने यहाँ पर अडैप्टर के पावर को ब्राउन वाइट के साथ में आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर मैं इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है, प्लस को जोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने ब्राउन वाइट को प्लस में जोड़ दिया और ब्राउन को मैंने यहाँ पर माइनस के साथ वाइट के साथ में मैंने यहाँ पर जोड़ दिया मैंने,
ये देखिए गाइस, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कनेक्ट कर देंगे अपने स्विच के साथ में, ठीक है। हमने इसे स्विच के साथ लगा दिया। अब स्विच के साथ लगाने के बाद गाइस, अब हमारा बचा ये वायर, इस पर भी तो हमें पावर देना पड़ेगा ना, तो पावर तो हम दे चुके हैं। हम इसे क्या करेंगे, इसे भी हम करेंगे यहाँ पर बीच से कट। तो यहाँ से हम इसे थोड़ा सिंपल सा हम कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद गाइस, आप क्या करोगे, ये वायर को आप बीच से निकाल दो। बीच से निकालने के बाद में यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। मैंने इसे लगा दिया कट। कट लगाने के बाद गाइस, ये जो वायर है, ये वायर हमारी जो है ये बिल्कुल वेस्ट है। अब इसे यहाँ पर हमें देना है वायर। तो ब्लू वाइट हमने कैसे यहाँ पर कट किया था, तो हमें बिल्कुल भी काम नहीं है। आप यहाँ भी चाहो तो आप इसे कट लगा दो अभी आप। तो ये हमारी वेस्ट वायर है अभी, और डाटा के वायर से हमारा डाटा तो आ ही रहा है। तो हमने ब्लू वाइट को यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं हटा दे रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो। तो सिंपल सा कनेक्शन है गाइस, आप याद रखिएगा, हमने 1, 2, 3 से इसका यूज़ किया यहाँ पर डाटा के लिए, ठीक है। ये जो कि यह चला गया, 7, 8 में हमने यहाँ पर यूज़ किया ब्राउन वाइट एंड ब्राउन को, 5, 6 को हम सॉरी 1, 2, 3 को या 4 को, और हमने यहाँ पर 5 को हमने यूज़ नहीं किया है, ब्लू एंड ब्लू वाइट को। चाहो तो आप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब हमें पड़ेगी यहाँ पर जो पावर ट्रबल हो रहा है, वहाँ पर हम लगाएंगे डीसी पिन। तो हम इसे थोड़ा सा छील लेते हैं स्टिप करने के बाद में गाइस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे अपने डीसी पिन प्लस का। जैसे हमने बताया था, प्लस हमने लिया था ब्राउन वाइट में, हमने प्लस लिया हुआ और ये प्लस ही है, तो आप इसको यहाँ पर प्लस कर लो। हम इसके कलर कोड के हिसाब से चलते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो, ब्राउन भी दे सकते हो, लेकिन इसके कोड के हिसाब से चलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब आप देख पा रहे हो कि हमने ये कनेक्शन कंप्लीट कर लिया गाइस, ठीक है। तो अब हमें सिंपल सा कनेक्शन है गाइस, आपके पास आईपी कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आईपी कनेक्टर के लिए एक आपने आईपी कनेक्टर से इंसर्ट करा दिया। अब इसको ज़रूरत पड़ेगी पावर की, तो आपने यहाँ पर पावर यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। आपको वहाँ पर आईपी कैमरे के पास अडाप्टर लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम सिंपल सा अब हम इस कनेक्टर को भी हमने डाल दिया अपने पीए स्विच में, इंसर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये हमारा कैमरे का कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, और हमारा कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे अपनी आईपीसी टेस्टर की मदद, और हम आपको दिखलाएंगे यहाँ पर। पहले मैं केबल इंसर्ट कर लेता हूँ अपने पीओ स्विच में, और उसके बाद पीओ स्विच में इंसर्ट करने के बाद मैं अभी आप आईपी टेस्टर को ऑन कर रहा हूँ, और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो गाइस आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा कैमरा एक आईपी एड्रेस शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 192.168.1.250 जो इसकी डिफ़ॉल्ट आईपी होती है। अब हम इसे ऑनिप में अगर हम जाते हैं, इसे चलाते हैं, मेरा कैमरा आया कि नहीं आया गाइस। तो यहाँ पर हम इसे पासवर्ड हम यहाँ पर चेंज करेंगे इसका, और हम इसे पासवर्ड यहाँ पर हमने जो नया पासवर्ड सेट किया यहाँ पर admin@123 यहाँ पर हम ये पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद गाइस हम यहाँ पर इसे वापस लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये देखिए गाइस, ये हमारा कैमरा आ गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये देखिए गाइस, और आराम से हमारा कैमरा चल रहा है, ये मैं यहाँ पर आप खुद से बता रहा हूँ। तो गाइस अभी आपने देखा कि हम नॉर्मल स्विच से हमने कैसे इसको पीओ स्विच बनाया, और किस तरह हमने कम खर्च में अपने नॉर्मल स्विच से ही अपने आईपी कैमरा को हमने चलाया गाइस। तो आप इस तरह अपने नॉर्मल स्विच को एज ए पीओ स्विच बनाकर, आप वहीं पर पावर ट्रेवल करा कर आप उसको आसानी से अपने आईपी कैमरे चालू कर सकते हो। आप कितने भी आईपी कैमरे आप इस तरह अपनी स्विचेस से चालू कर सकते हो गाइस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइस मुझे बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।